हरे कृष्णा सभी को। दिवाली आने वाली है तो दिवाली में थोड़ा सा मिठाई संभल कर खाइएगा आप लोग, थोड़ा बहुत खा लीजिएगा, आधा पीस करो बर्फी का, लेकिन ज़्यादा मिठाई नहीं खानी, वो प्रोस्टेट में फिर नुकसान करती है। ठीक है, मैदे से बनी होती है ना, मैदे से बनी चीज़ें आपको नहीं खानी होती है प्रोस्टेट की बीमारी में। अब बात आती है प्रोस्टेट, देखिए आज प्रोस्टेट के ऊपर जो वीडियो होने वाली है ना, ये लास्ट वीडियो होने वाली है आज। मैं आपको, हो सकता है बहुत लंबी वीडियो, लेकिन सारे इसमें बता दूंगा क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, पूरा घरेलू उपाय सब कुछ बताऊंगा। आज लास्ट वीडियो होने वाली, इसके बाद मैं टॉपिक कल चेंज कर दूंगा। देखिए सबसे पहले मेन बात आती है प्रोस्टेट। मेरे अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, हर किसी पुरुष के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज होता है जस्ट लाइक अ वॉलनट। अब सर्दियों में आप लोग अखरोट जरूर खाते होंगे, आप झूठ मत बोलिए, अखरोट जरूर खाते हैं पुरुष भाइयों, बस उसकी तरह एज इट इज सेम साइज होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, पौरुष ग्रंथि का। और यहां पर एक बहुत जो जरूरी बात है वो पता क्या है कि आप पुरुष भाई, जब आपको पता चलता है कि आपको बीपीएच हो गया है, जब आपको पता चलता है ना कि आपको बीपीएच बीमारी हो गई, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, आप सोचते हैं कैंसरस होती है। इस मन को आज से आप लोग, मन से इस डर को बाहर निकाल दो। मैं बोला आपका भाई बोल रहा है, आपका छोटा भाई बोल रहा है कि मन इस डर को बाहर निकाल दे, आपका छोटा भाई ये बात बोल रहा है, डर को बाहर निकाल दीजिए, इट इज नॉन कैंसरस, ये कैंसरस नहीं होता है। और आपको पता है कि आप बीपीएच को काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं घर पर बाय यूजिंग सम होम रेमेडीज एंड बाय डूइंग सम मॉडिफिकेशंस इन योर डाइट। बस आपको थोड़ा सा खान पान में बदलाव करना पड़ता है। अब ये तो आप लोगों को मेरे ख्याल से पता हो कि नॉर्मल वेट कितना होता है इसका, दैट इज 20 ग्राम्स, बिटवीन 20 to 25 ग्राम्स नॉर्मल वेट होता है। अब वो समय पहले का था कि हाँ 60 साल बाद प्रोस्टेट की बीमारी होती थी, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे, आप समझे इस बात को। कम उम्र में आजकल लोगों को शुगर हो रही है, कम उम्र में हाई बीपी की प्रॉब्लम है, बच्चे पेन किलर के पत्ते लेकर जेब में घूम रहे हैं, जेबों में दर्द के पत्ते रखे हैं, घूम रहे हैं इस उम्र में। मैं बता रहा हूँ 37 साल तक मैंने आज तक, इवन मैं आपको रिलेटिव बताऊं तो मैंने कभी, मुझे ये नहीं पता कि पेन किलर टेबलेट का टेस्ट कैसे होता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वैसे आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने नहीं खाई आज तक पेन दर्द की कोई गोली, नहीं खाई है। अब नहीं खाई तो नहीं खाई, क्योंकि अगर मुझे इवन सर्दी जुकाम भी अगर हो जाता है ना कभी कभार, तो भैया हम घर पर सब कुछ होम रेमेडीज ही यूज करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, हम जड़ी बूटियां यूज करते हैं, घरेलू उपाय यूज करते हैं, इसलिए हम स्वस्थ हैं। आपको बहुत बार समझाया, प्लीज आप इन बातों को समझिए, बंद करिए। अब मीट अंडे दारू खाना बंद कर दीजिए, गंदा फैट शरीर में जाएगा, प्रोस्टेट को प्रॉब्लम होगी। आप नहीं समझे सब बातों को, आप मुझे कमेंट अच्छा करो बुरा करो मुझे नहीं फर्क पड़ता, एटलीस्ट बस आप समझ जाइए आपकी बीमारी ठीक होनी चाहिए, मुझे उससे मतलब है। पेल्विक एक्सरसाइज नहीं करते आप लोग, मैं अब क्यों नहीं करते वो आपको पता होगा, बहुत कंपलसरी है दोस्तों, बहुत कंपलसरी है वो। मंडुकासन करिए, सेतुबंध आसन करिए, बटरफ्लाई योगासन करिए, वज्रासन करिए, ये कितने टॉप क्लास हैं। क्योंकि देखिए 60 साल 50 साल बाद ना आपकी पेल्विक मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, जैसे आंखें कमजोर होती हैं, आपके कान सुनाई कम देते हैं, आपकी पूरा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है, उस तरह ये मसल्स भी कमजोर होना शुरू होते हैं ना, इनको भी तो मजबूत करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ क्यों रहा, इसके बढ़ने का कारण क्या है। हर किसी को तो प्रोस्टेट की बीमारी नहीं है, लेकिन यह भी सच है 50-60 साल तक आते आते 50% पुरुषों को बीमारी हो जाती है, सिंपल सी बात है। 50 साल की उम्र तक 50% पुरुषों को प्रॉब्लम हो जाती है, 90 साल तक, 90 साल को जो पुरुष में 90% पुरुषों की होती है, ये भी कोई झूठ बात तो है नहीं। मिलियंस ऑफ पीपल इसमें परेशान है, सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी समस्याओं से, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग इसमें परेशान है सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट और पेशाब जुड़ी बीमारियों से। मैं कोई बहुत बड़े ज्ञानी इंसान नहीं हूं, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करके दे दूं आपको अच्छे तरीके से। मैं जैसे बचा हूं आज तक, क्या 37 साल उम्र कम, आपके घर में यार आप घर में बच्चे होंगे, उनको देखना सर्दी जुकाम खांसी में उनका ठीक नहीं होता है बिना दवाई के, उतने वो कमजोर है, सर दर्द नहीं जाता, कभी टांगों में दर्द, कभी डिस्क हो रही है, कभी साइटिका हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है,
कभी डाइजेशन अच्छा नहीं है, कभी कब्ज हो रही है, तो आप समझिए अब ये कहने से काम नहीं होने वाला। एक भाई ने कमेंट किया था कि ऐसा है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप लोग, आप सिर्फ पंकज भाई आप सिर्फ किताब पढ़ रहे हो हमें सुना रहे हो। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये जो बंदा आपके सामने बैठा है ना, ये हिमाचल का है, मैं बहुत सी वर्ष रिपीट का हम, मैं यहाँ पे किसी कोई तरह का किस पढ़ वढ़ के नहीं आता ना, मुझे जरूरत है पढ़ने की, मेरे पास नॉलेज है वो बता रहा हूँ। फॉलो करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी मर्जी है। वीडियो देखना ना देखना वो तुम्हारी मर्जी है। मैं समझा के चले जाऊंगा, पैसे तो लूंगा नहीं, पैसे दे रहे हो तो बात करो, आप पैसे ले रहे हो ना, बस मर्जी आपके, देखना ना देखना वो आपकी मर्जी है, आपने देखो कोई और देखेगा, सिंपल सी बात है। प्रोस्टेट का साइज बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों का बैड लाइफस्टाइल। बात को समझिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन थोड़ी है आज तक कि कोई मैं आपको बता दूं, झूठी बता दूं कि नहीं ये इन्फेक्शन है, क्यों नहीं समझते। प्रोस्टेट जो है आज तक एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, देर इज नो एग्जैक्ट कॉज ऑफ प्रोस्टेट एलाज में टिल नाउ, नहीं आज तक कोई ऐसा रीजन यार नहीं है। ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस, ये माना जाता है कि जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन में जब डिसबैलेंस होगा, उनके लेवल्स में इंक्रीज होगा, ट्रिगर होगा, उनके लेवल्स ट्रिगर होंगे तो प्रॉब्लम होती है, माना जाता है। और बैड लाइफस्टाइल दो ही फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, दो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोस्टेट की बीमारी होने के लिए। अब मैं, आप क्यों नहीं समझते दोस्तों, मान जाइए बात को, समझे अभी समय है आप लोगों के पास। अब आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कल को वीडियो बनाऊ ना बनाऊ, देखो वक्त का थोड़ी पता है, तो कल को जब आप याद करोगे तो अभी क्यों नहीं समझ जाते आप लोग। मैं बस चाहता हूँ आप ठीक हो जाओ यार, मैं इतना चाहता हूँ ठीक। दिवाली आ जाए, दिवाली तक थोड़ा गिफ्ट दे दो मुझे, कमेंट करो कि सर हमें फायदा हो रहा है, हम ठीक हो रहे हैं। और मैं रिप्लाई भी नहीं कमेंट का करता हूँ भैया, जो मुझे लगता है अच्छे हैं, जो मुझे लगता है कि वाकई में यार ये बंदे रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत रिस्पेक्ट से मुझसे बात करते हैं, उनको प्रॉब्लम है, मैं उनको खुद कॉल बैक कर लेता हूँ। बहुत लोगों से बात होती है, दिन में 10 बार लोगों से डेली पर डे बात होती है मेरे भाई, लेकिन बात मैं उन्हीं से करता हूं जो रिस्पेक्टेड हैं, जो इज्जत के लायक नहीं उनसे भी बात नहीं करता, जिनके कमेंट्स अच्छे नहीं होते उनसे बात नहीं करता। अच्छे इन द सेंस, अब कोई बात नहीं, आप अगर नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं अच्छे लगते हो, लेकिन थोड़ा मर्यादा में, उनसे मैं बात नहीं करने वाला, ना करूंगा, सिंपल सी बात है। आपकी मर्जी है, शरीर तुम्हारा है, तुमको जो करना है वो करो, नहीं देखने तो मत देखो, जहां देखने उस वीडियो को देखो, क्लियर कट बात है, मतलब डायरेक्टली बोल रहा हूं। अब बात आती है खान पान, जो बहुत जरूरी बात दोस्तों, नाश्ता दोपहर का खाना और रात को, यहां पर सबसे बड़ी गड़बड़ी आप आज भी कर रहे हो। मैं कमेंट आया था कल व्हाट्सएप पे, मैसेज आया था भाई का, मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी सुबह में आप लोग ब्रेड क्यों खा रहे हो, टोस्ट क्यों खा रहे हो, दूध का गिलास साथ में ले रहे हो, क्यों पी रहे हो यार। भाई भाई दूध में फैट है, फैट जाएगा शरीर में, नुकसान करेगा, क्यों नहीं समझते। मैंने उनको समझाया बहुत, कम से कम आधा एक घंटा, मैंने कहा भाई आप समझ जाइए, बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोग, समझ अभी समय है आप लोग, मैं समझा रहा हूं। सुबह अगर आपको लगता है, सुबह अगर आपको लगता है फ्रूट जूस पी लो या फल खा लो, फलों का रस पी लो, आंवला का जूस पियो, एलोवेरा का जूस पियो, लौकी का जूस पियो, लेकिन ये सुबह के दूध पी दो, ब्रेड खा रहे हो, मैदे से बने और टोस्ट खाए जा रहे हो, कोई मतलब है सूजी वो कोई, यार देखो हर बात मैं कितनी बार बताऊं आप लोग, आप बोलते हो कि हर बात को रिपीट करते हो, मैं कितनी बार करूं आप बताइए। देखिए सुबह के जब ब्रेकफास्ट करते हैं आप लोगों को फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, सिंपल सी बात है, या फ्रूट जूस। अब बात आती है रात के खाने, रात में क्या खाना है, दोपहर को आप लोगों ने सलाद जरूर खाना है, बात का ध्यान रखना है, सलाद जो भी करना है वो मूली खा लो, ककड़ी खा लो, जो खाना है वो खाओ, चुकंदर खा लो, मटर खा लो, जो आपको सलाद पसंद है वो खा लो, उसके बाद जो खाना है खाना पीना वो खाओ। अब रात को बात ले लो, रात को आप लोग क्या कर रहे हैं, रात को सोने से 3 घंटा पहले पानी पी रहे हो। मेरे भाई रात को सोने से पहले 3 घंटा पहले पानी पियेंगे, पेशाब 10 बार आता है, 20 बार आएगा, क्यों नहीं समझ रहे बात को। जितना हो सके रात को सोने से 3 घंटे पहले पानी कम पियो, वाटर इनटेक मिनिमाइज कर दो, दौड़े रहोगे पूरा वाशरूम, वाशरूम में बैठना पड़ेगा फिर इतना पेशाब आएगा। रात को 6-7 बजे के बाद शाम के समय खाना पीना बंद कर दो, क्लियर कट बात, क्लियर बात, क्या बोला मैंने, जब सूरज डूबता है शाम को ना उसके बाद खाना आप बंद कर दो, बंद कर दो, जो प्रोस्टेट के रोगी हैं सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना होता। अब ये सब बातें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाना शुरू कर दिया,
तो फिर आप लोग कमेंट खुद ही करते कि बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं आप, सिंपल बात बताओ, इलाज बताओ, बात खत्म। तो आपको समझाने को उतना फायदा लगता है नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो वीडियो रेगुलर देखते हैं, उनके लिए मैं बोलना होता है, उनके लिए बोलना पड़ता है मुझे। अलसी के बीज ज्यादा खाने, दिन में 1 चम्मच अलसी के बीज का खाना, दैट कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। दूसरा पंपकिन सीड्स का कद्दू के बीज लेना से चालू कर दिए। कद्दू के बीज में होता है जिंक, जिंक भी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ को बहुत जबरदस्त तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। पंपकिन दिन में 1 चम्मच कद्दू के बीज का। तीसरा टोमेटो जूस, टमाटर का जूस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट जूस है फॉर प्रोस्टेट प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की समस्या के लिए बीपेज के सबसे बेस्ट जूस है, दैट इज टोमेटो जूस। टोमेटो कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ लाइकोपीन, और लाइकोपीन आपके पीएसए लेवल्स को बढ़ने से रोकता है, और पीएसए लेवल बढ़ने से प्रोस्टेट कैंसर होता है, और पीएसए का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, द एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जब इसका लेवल बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आपका प्रोस्टेट कैंसर तभी होता है जब आपके पीएसए लेवल्स बढ़ते हैं, इनको लोअर डाउन करना बहुत जरूरी है। टोमेटो जूस वन ऑफ द बेस्ट जूस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, टोमेटो जूस, टमाटर का जूस, ये प्राकृतिक तरीके होते हैं, भरोसा करना पड़ता है, लेकिन परहेज जो नहीं करते उनको ये सब कोई एक बजरत्ती पर फायदे नहीं होने वाला। ये मेरे जैसे सात्विक बंदों को असर देते हैं, जो भैया सब चीजों से दूर है, जो तामसिक भोजन से दूर रहते हैं। तो इसी बात पे एक बार फिर बोलिए हरे कृष्ण। अब बात आती है सर हमें, अब आप घरेलू उपाय बताओ, जो आप लोग कमेंट करते हो भैया सीधा दवाई की बात बताओ, बाकी आप छोड़ो पर, आप फालतू बात मत, दवाई बताओ, उन लोगों के लिए बता रहा हूं दवाई। दोस्तों कंचनार की छाल सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्फ्लामेशंस स्वेलिंग को रिड्यूस करने। जी हाँ, बहुत जबरदस्त आपको असर देखने को मिलेगा। कंचनार की छाल, गोक्षा का पाउडर, तुलसी, तीनों का काढ़ा बनाकर पी लो। अब कैसे काढ़ा बनाने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हूं, और एक वीडियो में आप लोगों को मैं योगासन करके भी बताया हूं। अगर आप चाहते हैं आपको मैं घर पर बना के दिखाऊं कि काढ़ा कैसे बनाना है गोखरू का, कचनार की छाल का और तुलसी का, तो कमेंट करना, मैं काढ़ा बनाकर वीडियो में कल दिखा दूंगा कि कैसे काढ़ा बनाना है, अपने घर पर बना के दिखाऊंगा, कमेंट करेंगे तो, ऐसे नहीं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं योगा करके दिखा दूं कि योगा चार योगासन कैसे करने हैं जो प्रोस्टेट का साइज कम करेंगे, तो वो भी करके बता दूंगा, कमेंट करोगे तो, ठीक है, कमेंट करोगे तो सब कुछ बता दूंगा, लेकिन कमेंट थोड़ा सा मर्यादा में रखकर करने हैं। गलत कमेंट करेंगे भैया देखो फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला, आपको नहीं पड़ने वाला, तो इससे अच्छा कमेंट अच्छा करो, कुछ सीखने को मिले, और मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले, आप भी मुझसे कुछ सीखिए। सबसे बेस्ट होम रेमेडी मैंने आप लोगों को बता दी क्या ही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बना के दिखाऊं तो बना के भी दिखा दूंगा, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। अब मेन बात लास्ट में, सिर्फ एक ही बात आप लोगों से, वीडियो खत्म है, अब आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, वीडियो समाप्त है। अब लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ दोबारा, दिवाली आ रही है, दिवाली में मिठाई खाएंगे, मिठाई सोच के थोड़ी सी मिठाई खाएगा, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी, थोड़ा सा ना लिमिटेड क्वांटिटी में खानी तो पड़ेगी, भाई त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है हमारा ये, इसमें खाने पीने का जोश हाई रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम क्वांटिटी में खाइएगा। बाकी प्रभु श्री राम आपके ऊपर कृपा बना के रखें, आपकी सेहत को बना के रखें, और आपका प्रोस्टेट की सेहत को बरकरार रखें, बीमारियों से बचा के रखें। और लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कमेंट सोच समझ कर कीजिएगा, अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए, कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स कीजिए, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा में रहकर। बाकी मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। इस तरह अपना प्यार मेरी वीडियोस पर देते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए।